أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كانوا يرجو الله لمن كانوا يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر مسلمانوں تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہیں جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور صاحبان ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے کفر کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا و رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے اور اس ہجوم نے ان کے ایمان اور جذبے تسلیم میں مزید اضافہ ہی کر دیا مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کئی وعدے کو سچ کر دکھایا ہے ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے تاکہ خدا صارفین کو ان کی صداقت کا بدلہ دے اور منافقین کو چاہیے تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر کے اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اور خدا نے کفار کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچا لیا اور اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے اور اس نے کفار کی پشت پناہی کرنے والے اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ تم میں سے کچھ کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے
और फिर तुम्हें उनकी ज़मीन, उनके दयार और उनके अम्वाल और ज़मीनों का भी वारिस बना दिया जिनमें तुमने कदम कभी नहीं रखा था, और बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। बेशक हमने आपको कौसर अता किया है, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें, यकीनन आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। सदकल्लाहुल्लाहुल्लाज़ीम। करबला जो बरपा हुई वो हमको एक मकसद, एक पैगाम देती है। उसी पैगाम को अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है जहाँ तक नाफिस अब समझ सकी है। करबला कहती है ज़हनों में तहारत रखो, करबला कहती है ज़हनों में तहारत रखो, इश्क़ हैदर की फ़कत दिल में हरारत रखो, नुसरत हक़ के लिए शौक़ शहादत रखो, कुछ तो किरदार में मौला की क़राबत रखो। सीख लो इब्ने मज़ाहिर से मोहब्बत करना और अब्बास से मौला की इताअत करना। अब दरसे करबला के उन्वान से कि करबला आज़मे वफ़ा का बा असर पैगाम है, करबला ईसार और क़ुरबानी का शीरी जाम है, करबला को मर्ज़ी माबूद से बस काम है, और करबला सब्र तहम्मुल के अमल का नाम है, करबला खुद इल्म व हिकमत का सरापा नूर है, बेनमाजी मकसद करबल से कोसों दूर है। करबला को ऐशो आसाइश न दौलत चाहिए, करबला को हक शनासी हक से उल्फत चाहिए, नुसरत मज़लूम और ज़ालिम से नफ़रत चाहिए, खौफ ना खाए जो बातिल से वो हिम्मत चाहिए, अम्र बिल मारूफ व पर्दा है बयान करबला, हुस्न अख़लाक व सखावत भी है शान करबला, छोड़ना तन्हा नहीं मज़लूम की आवाज़ को, अन सुना कर दो हवाए नफ्स के हर साज को, सीरत मासूम से सीखो सही अंदाज को, और यूं बुलंदी दो तुम अपनी फिक्र की परवाज को, ये न देखो कौन अपना है पराया कौन है, बस ये देखो जिसने राहे हक दिखाया कौन है। करबला का दर्स है समझो तकाजा वक्त का, डर न जाना देख के जालिम घराना वक्त का, जो अमल है आज कल होगा फसाना वक्त का, और चल नहीं पाएगा महशर में बहाना वक्त का, बुजदिली करना नहीं हरगिज़ के पछताना पड़े, और नस्ल को तारीख देता ना तो झुंझलाना पड़े। ज़ालिमों बातिल परस्तों का बुरा अंजाम है, ज़ालिमों बातिल परस्तों का बुरा अंजाम है, हासिल करबल बराए ज़हने खासो आम है, मौत की जानिब तुम्हारा हर घड़ी एक गाम है, करबला कहती है समझो क्या तुम्हारा दाम है, हुर ने दिखलाया हिदायत कर रही है करबला, और वहब बोले शजाद भर रही है करबला, करबला से सीख लो जिक्र इलाही का हुनर, जो अमल मुनकर हैं उन सब की मनाही का हुनर, दीन के दुश्मन के मकसद की तबाही का हुनर, और सर कटा कर भी दिलों में बादशाही का हुनर, गुलशन इस्लाम की खुशबू बिखरना चाहिए, और करबला का नूर सीरत में उतरना चाहिए, गर खुदा के फजल से सैयद हो
तुम सरदार हो। गर खुदा के फजल से सैयद हो तुम सरदार हो, फिर ज़रूरी है कि तुम भी साहिब किरदार हो। लाजमी है साहिब तकवा अमानतदार हो, गफलतें बरतो नहीं हालात से बेदार हो। करबला का जहन में मेयार रहना चाहिए, नुसरत महदी को तब तैयार रहना चाहिए। अमख्ता पेश खिदमत है कि जज्बाए ईसार व क़ुरबानी तुम्हारे दिल में हो, जज्बाए ईसार व क़ुरबानी तुम्हारे दिल में हो। नेक सीरत हो वो आसानी में या मुश्किल में हो, जोश हो भरपूर लेकिन होश की मंजिल में हो, और मौज जज्बाते मोहब्बत सब्र के साहिल में हो। राह हक में जो कदम उठे उन्हें रुकने न दो, राह हक में जो कदम उठे उन्हें रुकने न दो, और परचम इस्लाम को हैदर कभी झुकने न दो, परचम इस्लाम को हैदर कभी झुकने। एक बंद मीर अनीस आला मकाम होगा कि क्या आमद हिलाल मुहर्रम का शोर है, क्या आमद हिलाल मुहर्रम का शोर है, अर्ज़ो समा में शेब ओ मातम का शोर है, क्या आमद हिलाल मुहर्रम का शोर है, अर्ज़ो समा में शेब ओ मातम का शोर है, और फौज मलाइका में इसी गम का शोर है, फौज मलाइका में इसी गम का शोर है, और बरपाए हश्र दीदए पुरनम में पुरनम का शोर है, बरपा है हश्र दीदए पुरनम का शोर है, और सुनी है कब्र फातह बद्र हुनैन की, और आती है हर तरफ से सदा शोर व शैन की। आइए मैं इसी इन्हीं अशार से गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अकील अब्बास मारूफ़ी साहब से कि वो आएँ और जलवा अफरोज़ मिंबर हों और इस सिलसिले की दूसरी मजलिस को ख़िताब करें। उनके इस्तकबाल के लिए आप हज़रात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر صلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم عشر مجالس کی آج دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آئے مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کی صفات کو بیان کر رہا ہے، جو لوگ سماج اور معاشرے میں اصلاح کے لیے نکلتے ہیں،
उनके सिफात को बयान कर रहा है। अत्ताएबूनल आबिदूनल हामिदूनस सायहून, जो भी समाज में बदलाव लाना चाहता है और मुसलिह बन के जो उतरता है, उसकी पहली सिफत कुरान कह रहा है अत्ताएबून, वो आबे तौबा से अपने वजूद को पाको पाकीज़ा करते हैं। अत्ताएबून अल आबिदून, और दूसरी सिफत यह है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वहदहु ला शरीक खुदा की बारगाह में अपना सर झुकाते, वो किसी दूसरे की इबादत नहीं करते, वो अपने खाली को मालिक वहदहु ला शरीक खुदा की इबादत करते। अल हामिदून, और उनकी तीसरी सिफत ये होती है कि जब वो मकाम हमद में आते हैं तो मकाम हमद में भी सिर्फ और सिर्फ अपने रब की हमद व सना करते हैं, अपने खाली को मालिक की हमद व सना करते हैं। अस्सायहून, और उनकी चौथी सिफत ये होती है कि वो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अपने खाली को मालिक को देखते हैं, यानी वो दुनिया को इस निगाह से देखते हैं कि अगर ये दुनिया असर की हैसियत रखती है तो इसका कोई मुअस्सिर और बनाने वाला ज़रूर होगा, बग़ैर बनाने वाले के ये दुनिया वजूद में नहीं आ सकती है। तो वो ज़र्रे ज़र्रे में अपने खालिक व मालिक को देखते हैं और उन्हें ज़र्रा ज़र्रा कायनात का खालिक व मालिक की तरफ पहुँचाता है। अर्राकून, पाँचवीं बात, रुकू में जाकर वो कहते हैं सुबहाना रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, पहली बात हमारा खुदा बेनियाज है, वो गनी मुतलक है और खुदा के माँ सिवा हर शय मोहताज है, वो खुदा अज़ीम है, जो खुदा बेनियाज और जो खुदा अज़ीम है, मैं उस खुदा की हमदो सना करता हूँ, मैं उस खुदा की बारगाह में सरे नियाज खम करता हूँ। और छठी बात अस्साजिदून, सजदे में सर रख के कहते हैं कि सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दे, हमारा खुदा बेनियाज है, वो हर ऐब से पाको पाकीज़ा है, मेरा खुदा मुनज़्ज़ा है, मेरा खुदा ही आला है, वही सबसे बड़ा है, जो खुदा हर ऐब से पाको पाकीज़ा है, जो खुदा मुनज़्ज़ा है, जो खुदा आला है, जिसके यहाँ किबरियाई पाई जाती है, मैं उस खुदा की हमद व सना करता हूँ। इन छह सिफात के जब मालिक बनते हैं तो फिर इंसान समाज और माशरे को बदलने की कोशिश करता है। इन छह सिफात पे ताएब बन के, आबिद बन के, हामिद बन के, सायह हो, राक्यो साजिद बन के, अब वो इंसान की मंजिल आती है अल आमिरून बिल मारूफ, अब वो अम्र बिल मारूफ करता है। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मारूफ को बताऊं और उसके बाद अम्र बिल मारूफ को बताना चाहूँगा, हर वो अच्छा काम जिससे इस्लाम को फ़ायदा पहुँचे, जिससे मुसलमान को फ़ायदा पहुँचे, जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, जिससे बशरियत को फ़ायदा पहुँचे, हर इस काम को जिससे इस्लाम, मुसलमान, इंसानियत और बशरियत को फ़ायदा पहुँचे, उसे मारूफ कहा जाता है। और ऐसे काम के लिए लोगों को तशवीक दिलाना ये अम्र बिल मारूफ कहा जाता है। और हर वो काम जिससे इस्लाम को नुकसान पहुँचे, जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचे, जिससे बशरियत को नुकसान पहुँचे, उसे मुनकर कहा जाता है। और ऐसे काम से रोकना नहीं अनिल मुनकर कहा जाता है। तो समाज और माशरे को जो लोग बदलने की कोशिश करते हैं उन्हें मुसलिह कहा जाता है। और हुसैन जिसकी फर्श अज़ा पे हम और आप बैठे हैं, हुसैन मुसलिह आज़म है, हुसैन मुसलिह आज़म है, सिर्फ हुसैन मुसलिह आज़म नहीं,
मुसलह आज़म होने के लिए इंसान को नासे होना चाहिए, इंसान को खैरखा होना चाहिए, इंसान को सैयदो सालार होना चाहिए, इंसान को यहाँ अखलाक अच्छा होना चाहिए और इंसान का रिश्ता खाली को मालिक से मजबूत होना चाहिए। तो वो हुसैन जो मुसलह आज़म है, जो बशरियत की इस्लाह के लिए निकला, जिसका अजीम इनकलाब बशरियत के लिए है, हुसैन की कुर्बानी इंसानियत के लिए है, वो हुसैन जहाँ मुसलह आज़म है ना, मुसलह आज़म होने के साथ साथ वही हुसैन नासे खैर खा है, खैर खा है, वो हुसैन साले है, वही हुसैन जाहिद है, वही हुसैन मुत्तकियों पर रेजगार है, वो हुसैन अच्छे अखलाक का मालिक है। इसीलिए जब हसन बसरी ने सैयदुश्शहदा को सराहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये जुमले लिखे, कानल हुसैन उब्न अली, कानल हुसैन उब्न अली वरियन सखीहन नासहन खालिसन सालिहन हसन अलखुल्के। आप ज़रा गौर तो करें, हसन ने बसरी ने सैयदुश्शहदा के लिए लिखा, कानल हुसैन उब्न अली सैयदन, हुसैन सैयदो सालार का नाम है ना, कौन सैयदो सालार जिसके लिए फ़ारसी ज़बान के शायर ने हुसैन की ज़बान से कहा, मुरा आर आयत अजी ज़िंदगी कि सालार बाशम कुनम बंदगी, मुझे ऐसी ज़िंदगी से ज़िल्लत महसूस होती है कि मैं सैयदो सालार हो के दूसरों की ग़ुलामी करूँ। आप गौर करें कितना अजीम पैगाम है, वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं कि हुसैन सैयदो सालार रहे, पर सैयदो सालार रहने के बाद हुसैन ग़ुलामी करे ना। इसीलिए मेरे इमाम का फरमान है, ला तकुन अब्द गैरिक फ़कद जालक अल्लाह हुर्रा, दूसरों के ग़ुलाम न बन जाना, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें हुर बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें हुर्रियत दे के भेजा है। बस हुसैन सैयदो सरदार का नाम है, हुसैन नासिह का नाम, हुसैन नासिह का नाम है, यानी जो इस्लाह में सिर्फ़ और सिर्फ बशरियत की भलाई का ख्याल रखे, जो सिर्फ़ और सिर्फ वो बातें कहता है जिसमें उम्मत का फ़ायदा हो, जो असली पैगाम को बशरियत तक पहुंचाए, खालिस पैगाम बशरियत तक पहुंचाए, ऐसी ज़ात को नासिह कहा जाता है, और कोई और ज़ात नहीं, वो हुसैन इब्ने अली सैयदुश्शहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात। ये पहली बात हो गई, बस हुसैन मुसलह आज़म पहली बात, हुसैन सैयदो सालार को कहा जाता है, हुसैन नासे और खैरखा को कहा जाता है, हुसैन सालिह इंसान को कहा जाता है। पहले इंसान सालिह बने, पहले नेक बने, फिर इंसान नेकी को आम कर सकता है, फिर इंसान मुसलह बन सकता है, फिर इंसान अच्छाइयों को आम कर सकता है, ये दूसरी बात। तीसरी बात सैयदुश्शहदा के लिए समाज और माशरे में बदलाव लाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है कि समाज और माशरा आपसे मोहब्बत भी करता हो, यानी एक इंसान वही इंसान समाज और माशरे में बदलाव ला सकता है जो महबूब खलायक हो, जिससे बशरियत मोहब्बत करती हो, जिससे इंसानियत उल्फत करती हो, जिससे आदमियत प्यार करती हो। तो हुसैन महबूब खलायक का नाम है, बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है, हुसैन महबूब खलायक का नाम है। अच्छा, हुसैन महबूब खलायक का नाम है इसीलिए फ़रज़दक शायर की मुलाकात जब सैयदुश्शहदा से हुई तो फ़रज़दक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़िताब करके एक जुमला कहा, अंता अहब्बुन्नास इलन्नास बेअबी अंता व उम्मी यब्न रसूलिल्लाह, ऐ फ़रज़ंदे रसूल मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, अंता अहब्बुन्नास इलन्नास, आप बशरियत में सबसे ज़्यादा महबूब हैं,
यानी बशरियत और इंसानियत सबसे ज़्यादा जिससे प्यार और मोहब्बत करती है वो हुसैन आप हैं। और कितना हुसैन से इंसानियत मोहब्बत करती है, बशरियत कितना मोहब्बत करती, क्यों? इसलिए कि हुसैन की रगों में जो कीमती खून पाया जाता है, जिसको ज़िंदगी और हयात कहा जाता है, हुसैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी बशरियत के लिए लगा दी, अपना खून इंसानियत के तहफ्फुज़ में लगा दिया, अपना खून इस्लाम की बका के लिए जिसने लगाया है, इसलिए बशरियत हुसैन से मोहब्बत करती है। अच्छा, ये तो हुआ। फरजदक ने कहा था कि अंत अहब्बुन्नास इलन्नास, आपसे बशरियत मोहब्बत करती है। बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। और हुसैन कितने महबूब हैं, कैस इब्ने मुसहर सैदावी से तो पूछिए, फातिमा का लाल हुसैन कितना महबूब है। कैस, आप बताइए, अपने मजमे में शियाने अली के दरमियान और अपनों में तकरीर करना बहुत आसान है, मगर यजीद के दरबार में उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम के सामने हुसैन की अजमत को बयान करना, अहले बैत के फजाइल को बयान करना, ये कैस इब्ने मुसहर सैदावी का किरदार है। इतना हुसैन महबूब है। क्यों क्यों हुसैन महबूब ना हो, जोश से पूछिए तो। खुदा की कसम, हुसैन हुसैन उस ज़ाते गिरामी को कहा जाता है जो मुनकलिब कर देता है इंसान को, जो खाक को सोना बना दे उसे हुसैन कहा जाता है, जो बेजान को जानदार बना दे उसे हुसैन कहा जाता है, जो बेरूह को रूहदार बना दे उसे हुसैन कहा जाता है। कितनी प्यारी बात जोश मली आबादी ने कही थी, करबला एक तजलजुल है मुहीते दौरा, पूरी कायनात में जो एक बदलाव ले आए उसे हुसैन कहा जाता है, जो रूही इनकलाब लेकर आ जाए उसे हुसैन कहा जाता है। करबला एक तजलजुल है मुहीते दौरा, करबला खिरमने सरमाए पे है बरक तपा, करबला को मालो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है, करबला मालदारी को ठोकरों से रौंद देती है, करबला खिरमने सरमाए पे है बरक तपा, करबला तबल पे है ज़रबत आवाज़ अज़ां, बातिल के खिलाफ ऐलान हक को करबला कहा जाता है, करबला जुरत इनकार है पीछे सुल्तान, जालिमों के खिलाफ जो बोलना सिखा दे उसे करबला कहा जाता है, सितमगरों के खिलाफ जो उठना सिखा दे उसे करबला कहा जाता है, करबला जुरत इनकार है पीछे सुल्तान, जालिमों के खिलाफ जो बोलना सिखाए उसे करबला कहा जाता है। फिक्र हक सोज यहाँ काश नहीं कर सकती, हक के खिलाफ किसी बात की गुंजाइश करबला में नहीं पाई जाती, जहाँ यजीदियत पनप न सके उसे करबला कहा जाता है, जहाँ फिरौनियत अपना सर उठा न सके उसे करबला कहा जाता है, फिक्र हक सोज यहाँ काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक सलावात पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब कैस इब्ने मुसहर सैदावी को जब गिरफ्तार करके उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया, कितना मेरा हुसैन महबूब है, जिस हुसैन की अज़ा मनाने के लिए हम और आप बैठे, वो हुसैन कितना महबूब है। कैस इब्ने मुसहर सैदावी से उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कहता है कि कैस मिंबर पे जाओ, और जाने के बाद हुसैन को बुरा कहो, अली को बुरा कहो, अहले बैत नबी को बुरा कहो। अच्छा अच्छा, अब यहाँ के ऊपर मोहब्बत का इम्तिहान है, यहाँ पे इश्क का इम्तिहान है, मगर कैस इब्ने मुसहर सैदावी कैसा हुसैन का चाहने वाला है, मिंबर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का, मगर कसीदा हुसैन का पढ़ा जाएगा, फजीलत अहले बैत की बयान की जाएंगी। अच्छा, कैस इब्ने मुसहर सैदावी ये हुसैन के चाहने वाले कैसी हस्तियाँ थीं, ये मानने वाले कैसे लोग थे। कहा तुम कहोगे हमसे हुसैन के जाके हुसैन को बुरा भला कहो, किस तरीके से हुसैन के फजीलत को बयान किया,
अच्छा अच्छा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का मिंबर था, तैस इब्ने मुसहर सैदावी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के मिंबर पे गए और जाने के बाद सारा मजमा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, मगर मेरी जान कुर्बान हो जाए तैस इब्ने मुसहर सैदावी के ऊपर मिंबर पे जाने के बाद तैस इब्ने मुसहर सैदावी ने सुनिएगा जुमले क्या कहें, अय्युहन्नास इन्ना हुसैन अपना अली खैरु खल्किल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अमां इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के कैस इब्ने मुसहर सैदावी कहते हैं, ऐ लोगो हुसैन अपना ले, हुसैन अली के फर्जंद को कहा जाता है, वह खैरु खल्किल्लाह पूरी कायनात में जो सबसे बेहतर इंसान है उसे हुसैन कहा जाता है। बहुत तवज्जो करेंगे, अमां मालूम है कि गर्दन उड़ा दी जाएगी मगर वक्त के ऊपर एक बात हजार सफ़े की किताब लिखने से ज़्यादा अहम हो जाती है, वक्त के ऊपर एक जुमला हजार सफ़े की किताब पे भारी हो जाया करता है। यही कैस इब्ने मुसहर सैदावी ने बताया, इन्नल हुसैन अपना अले खैरु खल्किल्लाह, पूरी बशरियत में जो सबसे बेहतरीन इंसान है उसे हुसैन कहा जाता है। क्यों कैस, क्यों कैस? वबनु फातिमता बिन्त रसूलिल्लाह, इसलिए कि हुसैन अली के फर्जंद हैं और सिर्फ अली के फर्जंद नहीं, रसूल की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा के फर्जंद हैं। व अना रसूलहू इलैकुम, ऐ लोगो मैं तो सफ़ीर हुसैन हूँ। कितनी अजीम बात कह रहे हैं, मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ, मैं अपने आका को मकाम हाजिर पर छोड़ के आया हूँ। अजीबू हो तुम सब के सब, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो हुसैन के ऊपर लब्बैक कह दो। एक सलावत पढ़ेंगे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस हुसैन को जानने के लिए, इस हुसैन के अजीम कारनामे को समझने के लिए 57 साल ज़िंदगी की ज़रूरत है। कल मैंने मुख्तसर सा तमहीदी गुफ्तगू की थी करबला गाम बगाम के लिए, इंशाअल्लाह इसी तरतीब के साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम इसहाक, दूसरे बेटे का नाम इस्माइल। हज़रत इसहाक बनी इसराइल के मूरी से आला और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी के मूरी से आला, ये पहली बात। दूसरी बात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और जनाब हाजरा को मक्के में लेकर आए थे, यहाँ मक्के में रुके रहे। एक माँ थी जिसे हाजरा कहा जाता है और एक उनका बेटा था जिसे इस्माइल कहा जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश कबीले जुरहम में हुई और ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया भी यहीं मक्के मुकर्रमा में मैदान मिना में पेश आया। ये तीन बातें, खाने काबा को भी इन्हीं दो बाप बेटे ने बनाया, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया। अब जब खाने काबा बन गया, खाने काबा बन गया तो खाने काबा के मुतवल्ली का मसला आया। खाने काबा के सबसे पहले मुतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी 12 बेटे थे जिनमें से दो बेटे हिजाज में पले थे। हिजाज कहते हैं सऊदीया और अरबिया को। दो बेटे हिजाज में पले थे, एक बेटे का नाम है नाबित और दूसरे बेटे का नाम है कैदार। बस काबा के सबसे पहले मुतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे जनाब नाबित। लेकिन इस पे ज़रा तवज्जो करिएगा, चूँकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कबीले जुरहम में हुई थी तो कबीले जुरहम वाले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों का ननिहाल हो जाएगा। तो सबसे पहले मुतवल्ली हज़रत इस्माइल, दूसरे मुतवल्ली उनके बाद उनके बेटे जनाब नाबित हैं। लेकिन नाबित के बाद इनके ननिहाल वालों ने काबे को अपने अंडर में ले लिया और अपने इख्तियार में ले लिया, यानी कबीले जुरहम।
कबीले जुरहम तो औलाद इस्माईल से न थे भाई, काबे का मुतवल्ली तो औलाद इस्माईल से होना चाहिए, तो हज़रत इस्माईल के बाद नाबित, लेकिन नाबित के बाद कबीले जुरहम ने अपना इख्तियार अपने इख्तियार में काबे को ले लिया और एक ज़माने तक कबीले जुरहम काबे का मुतवल्ली बना रहा। और कबीले जुरहम जब काबे का मुतवल्ली बना रहा तो काबे में बड़ी कीमती कीमती चीज़ें थीं, सोने के हिरन थे, सोने की तलवारें थीं, सोने की ज़रह जो जंग में इंसान पहनता है सोने की ज़रह थी, तो इन्होंने कबीले जुरहम ने काबे के माल को लूटना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। तो यमन में कबीला रहता था, उस कबीले को कबीले बनी खुज़ाअ कहा जाता है। बनी खुज़ाअ यमन से निकल के आया, इसने मक्के मुकर्रमा से कबीले बनी जुरहम को बाहर कर दिया। तो अब खुद ये खुद कबीले बनी खुज़ाअ अब ये काबे के मुतवल्ली हो गए। लेकिन एक बात गौर से याद रखने की ज़रूरत है, काबे का पहला मुतवल्ली कौन हुआ? हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कौन हुआ? उनके बेटे जनाब नाबित। जनाब नाबित के बाद कौन हुआ? कबीले जुरहम। एक बात तवज्जो करिएगा, कबीले जुरहम ने खाने काबा के अमवाल लूटना शुरू कर दिए, तो कबीले बनी खुज़ाअ ने आके कबीले जुरहम को मक्के से बाहर निकाला। कबीले जुरहम का जो हाकिम था, आखिरी हाकिम, उसका नाम है अम्र बिन हारिस। जब ये लोग मक्का छोड़ने लगे, इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है, करबला गाम ब गाम और इमाम हुसैन के यादगार इनकलाब को समझने के लिए तारीख़ इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, तारीख़ इस्लाम को। कबीले जुरहम का जो आखिरी हाकिम था, जब वो मक्का छोड़ के जाने लगा तो खाने काबा के अंदर गया। खाने काबा में दो सोने के हिरन थे, वो हिरन उठा के ले आया। सोने की तलवारें थीं, वो भी उठा के ले आया, और कुछ सोने की ज़रह थी, वो भी उठा के ले आया। और जहाँ से जमजम उबलता था वो एक कुआं था। ये सोने के हिरन, सोने की तलवारें, सोने की ज़रह उस जमजम के कुएं में डाल के जमजम का कुआं बंद कर दिया। अब जब जमजम का कुआं बंद कर दिया तो अब जितने भी उसके बाद आए किसी को पता नहीं चलता था। एक ज़माने तक जमजम बंद रहा और आब जमजम न उबलता था। इतनी बात जब आपको कह चुका तो अब मैं तरतीब से अपनी बात अर्ज करना चाहूँगा। पहला मुतवल्ली कौन हुआ है? पहला मुतवल्ली हज़रत इस्माईल, हज़रत इस्माईल के बाद जनाब नाबित, जनाब नाबित के बाद कबीले जुरहम, और कबीले जुरहम के बाद बनी खुज़ाअ। बनी खुज़ाअ कहाँ के रहने वाले थे? ये यमन के रहने वाले थे। 200 साल तक बनी खुज़ाअ ने मक्के मुकर्रमा में हुकूमत की। ये चार बनी खुज़ाअ में जनाब कुसई ने शादी की है, कबीले बनी खुज़ाअ में। कुसई कौन है? कुसई कौन है? रसूल खुदा के पहले दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे दादा जनाब हाशिम, तीसरे दादा जनाब अब्द मुनाफ, और चौथे दादा जनाब कुसई हैं। चौथे दादा जनाब कुसई हैं। जनाब कुसई ने कबीले बनी खुज़ाअ में शादी की, और जब आपकी नस्ल बढ़ी तो औलाद इस्माईल को जमा करके ये याद दिलाया कि हमें काबे का मुतवल्ली होना चाहिए और काबा हमारे इख्तियार में होना चाहिए। तो कबीले बनी खुज़ाअ के बाद काबे के मुतवल्ली बने हैं जनाब कुसई। कुसई कौन है? रसूल खुदा के चौथे दादा। अब फिर तौलियत औलाद इस्माईल में आ गई, चूँकि कुसई भी औलाद इस्माईल से हैं। अच्छा, जब जनाब कुसई खाने काबा के मुतवल्ली हुए तो जनाब कुसई ने दो बुनियादी काम किए हैं। पहला काम, मक्के के अतराफ, काबे के अतराफ जो घर थे उन्हें दोबारा बनाया है जनाब कुसई ने, ये पहला काम किया। और जनाब कुसई ने एक मजलिस मुशावरत, मीटिंग की एक जगह बनाई थी, उस जगह को कहा जाता है दारुन नदवा। उस जगह को क्या कहा जाता है? दारुन नदवा। ये मक्के में जनाब कुसई ने एक जगह, एक मंजिल, एक घर बनाया था जहां मीटिंग हो सके, जहां जमहूर के उमूर को अंजाम दिया जा सके। बस एक मरतबा फिर से आता हूं, पहले मुतवल्ली जनाब इस्माईल, दूसरे मुतवल्ली
जनाब नाबित, और तीसरे मुतवल्ले कबीले जुरहम, कबीले जुरहम के बाद कबीले बनी खुजा, बनी खुजा के बाद अब काबे का कौन मुतवल्ली हो गया? अब जनाब कुसई। जनाब कुसई ने मक्के में दो अहम कारनामे अंजाम दिए। पहला, मक्के में जो घर थे उन्हें असर नौ तामीर कराया, ये पहला काम, और दूसरा काम दारुन नदवा बनाया। जनाब कुसई के बाद, जनाब कुसई के बाद अब जिसको काबे की मुअज्जज खिदमतें जिसे नसीब हुई उसे अब्दे मुनाफ कहते हैं, उसे अब्दे मुनाफ कहा जाता है। अब्दे मुनाफ रसूल खुदा के कौन से दादा हैं? ये तीसरे दादा हो जाएंगे। अब्दे मुनाफ के बाद, अब्दे मुनाफ के बाद जनाब हाशिम को काबे की मुअज्जज खिदमतें मिली। जनाब हाशिम के बाद जनाब हाशिम के भाई मुत्तलिब हैं, उनको काबे की मुअज्जज खिदमतें। मुत्तलिब के बाद जनाब हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, जनाब हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के पहले दादा, बिला वास्ता दादा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अब्दुल मुत्तलिब के तीन चार इम्तियाजात हैं, बहुत तवज्जो करिएगा। किसने चाहे जमजम को बंद किया था? वो जो जमजम का कुआं था किसने बंद किया था? कबीले जुरहम का जो आखिरी हुक्मरान था अम्र बिन हारिस, उसने बंद किया था ना। तो उसके बाद 200 साल तक बनी खुदा ने हुकूमत की, चाहे जमजम बंद था। कबीले बनी खुजा के बाद जनाब कुसई के ज़माने में भी चाहे जमजम बंद था। जनाब कुसई के बाद जनाब हाशिम के ज़माने, अब्दे मुनाफ के ज़माने में भी चाहे जमजम बंद। अब्दे मुनाफ के बाद जनाब हाशिम के ज़माने में भी जमजम का पानी न उबलता था। अच्छा, आब जमजम न उबलता था न मुत्तलिब के ज़माने में। पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का मेरी जान कुर्बान हो ईमान ने और तवक्कुल अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जब ज़माना आया और काबे के मुतवल्ली हुए, तो आपका पहला इम्तियाज़ ये है कि आपको ख्वाब में बताया गया अब्दुल मुत्तलिब जमजम का कुआं वहाँ है, तुम जमजम का कुआं खोदो। तो अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में फिर से जमजम का कुआं खोदा गया, तो इंसानियत को आब जमजम मयसर हुआ और वो जमजम से फ़ायदा उठा सके। ये पहला इम्तियाज़ है जनाब अब्दुल मुत्तलिब का। इसी अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में अब्रहा ने, अब्रहा कहाँ से आया था? यमन से 70,000 का लश्कर लेकर आया था। किस लिए लेकर आया था 70,000 का लश्कर? काबे को गिराने के लिए लेकर आया था। और उस वक्त काबे के मुतवल्ली जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। आपको पता है खुदा की कसम मक्के वालों के पास क्या कोई ताकत थी जो अब्रहे का मुकाबला कर सकती थी? मक्के वालों के पास कोई ताकत ना थी, सिर्फ और सिर्फ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास ताकत थी। वो कौन सी ताकत थी? वो इमदाद गैबी की ताकत थी, वो इलाही मदद की ताकत थी। और उसी इमदाद गैबी पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भरोसा किया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहे के पास गए तो अब्रहा कहता है कि काबे को गिरा दूंगा, तुम्हारा क्या कहना है? जाने कुर्बान हो जाए अब्दुल मुत्तलिब। अब्रहा ये समझ रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब कहेंगे कि न गिराओ, न गिराओ, न गिराओ। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अना रब्बुल इबल, मैं तो ऊंट का मालिक हूं, काबे का भी कोई रब है, वो उसे बचा लेगा। तो अब्रहा ने ये कहा था, मैं देखता हूं कौन बचाएगा, देखता हूं कौन बचाएगा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे जो रसूल खुदा के पहले दादा हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी दादा हैं। वो कैसे? इमाम हुसैन के वालिद को अली कहा जाता है, अली के वालिद को अबू तालिब कहा जाता है, और अबू तालिब के वालिद को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। यानी हुसैन के पहले दादा को अबू तालिब कहते हैं और दूसरे दादा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है ना। एक इंसान के यहाँ जो रूही कमालात आते हैं ना, वो आबाओ अजदाद से आया करते हैं। आप सरा जोश से तो पूछिए, जोश से तो पूछिए, करबला में अमरे हकी बरतरी से जंग थी। इंसान के
यहाँ उसके आबाओं अजदाद के सिफात आते हैं। हुसैन जो यादगार इस्माईल है उसे हुसैन कहा जाता है, जो यादगार इब्राहिम है उसे हुसैन कहा जाता है, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के कमालात पाए जाते हैं उसे हुसैन कहा जाता है, जिसमें हाशिमो अब्द मुनाफो कुसैयो किलाबो मुर्रो काबो लुअयो गालिबो फहर मालिको नजर कनाना वो खुजैमा वो मुद्रिकाओ इलियासो मजरो निजारो माद और अदनान के जिसमें सिफात पाए जाएं उसे हुसैन कहा जाता है ना। करबला में अमर हक की बरतरी से जंग थी, यानी हुसैन आए ही इसलिए थे ले तकूना कलिमतुल्लाह अल उलिया, ताकि कलमे इलाही को एतला हासिल हो सके, नाम इलाही को बुलंदी हासिल हो सके। करबला में अमर हक की बरतरी से जंग थी, ताकत नाने शईरे हैदरी से जंग थी। अली ने नाने जौ तो खाया था, मगर नाने जौ खा के रात भर अल्लाह की इबादतों में अपनी पूरी जिंदगी सर्फ करके बशरियत को जो तोहफा दिया, तो कोई हसन बना है, कोई हुसैन बना है, कोई ज़ैनब है और कोई सकी, कोई उम्मे कुलसूम। करबला में अमर हक की बरतरी से जंग थी, ताकत नाने शईरे हैदरी से जंग थी, अजमत दीरी नए पैगंबरी से जंग थी। अजमत दीरी नए हुसैन को समझने के लिए किरदार नबी गिरामी को समझना होगा। अजमत दीरी नए पैगंबरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी। आप जरा गौर तो करें, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी। कब निफाक अरबाब हक से बरसरे पैकार था, वो खुदा पे आखिरी लातो हबल का वार था। करबला की जंग अहले हक और अहले निफाक की जंग ना थी, करबला की जंग तो कुफ्र और ईमान की जंग थी। हुसैन कारवान ईमान के सालार को हुसैन कहा जाता है ना, और कारवान कुफ्र के रहनुमा और लीडर को जहाँ यजीद कहेंगे वहीं खुली कहा जाएगा, वहीं उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कहा जाएगा, इसे कहते हैं हुसैन। अब्दुल मुत्तलिब जब अब्रहे ने कहा कि हम तो गिरा देंगे, कहा अच्छा उसका रब है वो लावारिस नहीं है, बहुत तवज्जो करिएगा, काबे का रब है। अब जब कहा नहीं मैं तो गिराऊंगा, अच्छा जुरत है तो गिरा दे। अब आए जंजीरे दर को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जुमले कहे हैं ना ला ला या रब्बी ला अर्जू लहुम सिवा का, ए अल्लाह मैं इनके मुकाबिल में सिर्फ और सिर्फ तेरे से उम्मीद रखता हूँ और तेरे सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखता। इसे कहते हैं अब्दुल्ला। खुदा की कसम, अगर एक इंसान तनहा हो, इंसान ज़ख्मी हो, इंसान मजरूह हो, इंसान खस्ता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान सच्चा है, इंसान हक़ व हक़ानियत पे है, इंसान का रिश्ता खालिक व मालिक से है ना, तो अकेला होगा मगर पूरी दुनिया को पीछे हटने पे मजबूर कर देगा। एक सलावात पढ़ेंगे बार मोहम्मद अल मोहम्मद, बस अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली है ना। पहला कारनामा चाहे जमजम आपके, अब जब पैगंबर की सीरत इंशाअल्लाह कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वहाँ तफसील से पढ़ूँगा, यहाँ तो मुझे करबला गाम ब गाम पढ़ना है और इंशाअल्लाह एक मंजिल तक जाना है। पहला कारनामा चाहे जमजम मुयस्सर हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से। अब्दुल मुत्तलिब हुसैन के दूसरे दादा को कहा जाता है। अब रहा आया काबे का जिसने तहफ़्फ़ुज़ किया है उसे अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। तो क्या हुसैन के दिलो दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि मेरे आबाओ अजदाद ने काबा बनाया, इब्राहिम और इस्माइल मेरे आबाओ अजदाद हैं, उन्हीं ने काबा बनाया, और अब्दुल मुत्तलिब मेरे दादा हैं, इन्होंने काबे का तहफ्फुज़ किया है, मुझे भी काबे का तहफ्फुज़ करना होगा, मुझे भी काबे का तहफ्फुज़ करना होगा। बस अब्रहा का वाकया आपके ज़माने में चाहे समझम आपकी वजह से, जब अब्रहे ने हाथियों का लश्कर ले आया और फिर वो अबाबील के ज़रिए से नाबूद हुआ है, तो उस साल को आमुल फील कहा जाने लगा।
क्या कहा जाने लगा, आमुल फील। उस वक्त अल्लाह के नबी अपनी मादरे गिरामी जनाब आमिना के शिकम में थे ना, अभी मेरे नबी पैदा ना हुए थे। वाक़े फील यानी जब अब्रहा ने लश्कर के फौज अपने सिपाही और हाथी के लश्कर के जरिए से खाने काबा पे जब हमला करना चाहा, तैरन अबाबील का लश्कर आया। अच्छा, हाथी लेकर आया था मगर अल्लाह ने कंकर के जरिए उसे नाबूद किया। इससे भी गौर करने का मकाम है, जो जितनी बड़ी चीज लेकर आ रहा है उसके मुकाबिल में उतनी ही छोटी चीज के जरिए से उसे नाबूद किया जा रहा है और उसे हलाक किया जा रहा है और उसके तकब्बुर को नीस्तो नाबूद किया जा रहा है। अच्छा, हजरत आमिना भी आपके शिकम में नबी गिरामी थे। तारीख ने लिखा है, तारीख याकूबी ने लिखा है कि इस अब्रहे के वाकये के बाद यानी वाकये फील के 50 दिन के बाद नबी गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत हुई है। कहाँ के ऊपर विलादत हुई है? मक्के मुकर्रमा में। किस घर में हमारे नबी पैदा हुए? शेबे अबी तालिब में, एक मकान में अल्लाह के नबी पैदा हुए। अच्छा, जब हमारे नबी पैदा हुए, बस मेरा मजमा तवज्जो से सुनेगा, हमें 3 सन को जानने की ज़रूरत है। एक आमुल फील, आमुल फील सिर्फ 40 साल तक चला, ये पहला सन। दूसरा सन बेसत का है जो 13 बरस तक चला, और तीसरा सन हिजरत का है जो जब से शुरू हुआ तो अब तक जारी है। इसे अगर हम समझ गए ना तो हम अपने आका सैयदुश्शुहदा हजरत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के अजीम यादगार इनकलाब को इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में ये भी अर्ज करूँगा, कुरैश किसे कहते हैं, बनी हाशिम किसे कहा जाता है, बनी उमैया किसे कहा जाता है, बनी अब्बास किसे कहा जाता है, और तारीख में असली झगड़ा शुरू कहां से हुआ, वजह क्या थी और क्यों इख्तलाफ हुआ, और किस तरीके से तारीख का इख्तलाफ बढ़ता रहा कि नबी की शहादत से 50 साल के बाद तकबीर कहते हुए नाम निहाद मुसलमान गुलूए हुसैन पर खंजर चला रहे थे, और हुसैन की शहादत की खुशी में न जाने कितनी मस्जिदें बनाई गई। इंशाअल्लाह जब इन असबाब इलल और रीजंस पे जब गुफ्तगू होगी, फिर उस वक्त जहरा के लाल हुसैन का अजीम कारनामा बशरियत के सामने आएगा। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाले 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील को पैदा हुए। नबी गिरामी के वालिद को अब्दुल्लाह कहा जाता है, आपकी मादरे गिरामी को आमिना कहा जाता है, आमिना कहा जाता है। अच्छा, अल्लाह के नबी के दादा का घर तो मक्का है, इसे भी मेरा मजमा तवज्जो से सुनेगा। नबी गिरामी का ददियाल मक्का है, पर नबी गिरामी का ननियाल मदीने मुनव्वरा। इसका क्या मतलब मौलाना, इसकी भी वजाहत करिए। नबी गिरामी की वालिदा जनाब आमिना मदीने की रहने वाली थी, लेकिन नबी गिरामी के आबाओ अजदाद, दादा परदादा और बाप दादा ये मक्के के रहने वाले थे। बस हमारे नबी का घर मक्का, नबी की वालिदा का घर मदीना है। जनाब अब्दुल्लाह नबी गिरामी के वालिद को कहा जाता है। अब्दुल्लाह की कब्र मदीने मुनव्वरा में है। नबी गिरामी जब पैदा हुए तो बाप का साया सर पे न था, इसलिए कि जनाब अब्दुल्लाह मक्के से शाम गए थे तजारत के लिए, शाम से जब वापस पलटे तो मदीने पलटे, और जब मदीने आए तो मदीने में जनाब अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ। जनाब आमिना मदीने की रहने वाली थी जो जनाब अब्दुल्लाह की शरीक हयात हैं। बस जब नबी पैदा हुए तो बाप का साया सर पे न था। अच्छा, बाप का साया सर पे न था तो किसके जेरे नज़र पल रहे थे अल्लाह के नबी? दादा जिंदा थे या नहीं? अब्दुल मुत्तलिब जिंदा हैं, अब्दुल मुत्तलिब जिंदा हैं। नबी पाक ने अपने बाप की मीरास में चंद चीज़ें पाई थी। पहली चीज़, एक कनीज पाई थी, उस कनीज को उम्मे ऐमन कहा जाता है। ये जो उम्मे ऐमन है ना, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने यह कहा था, उम्मे ऐमन जन्नती खातून है, उम्मे ऐमन बहिश्ती खातून है, उम्मे
ऐमन जनाब अब्दुल्लाह की कनीज थी, नबी गिरामी को मीरास में मिली थी। एक बात अच्छा, गोसफंद और जानवरों का एक रेवड़ मिला था। ये जो अल्लाह के नबी बकरियां चराते थे, ये दूसरों की बकरियां नहीं चराते थे। एक बात मेरा मजमा याद रहेगा, नबी और इमाम किसी का मजदूर नहीं हो सकता है। इस पे मेरा मजमा तवज्जो करेगा, इसलिए कि अगर मजदूर होगा तो वो आर्डर दे सकता है, और नबी इमाम को कोई आर्डर नहीं दे सकता, नबी इमाम को कोई आर्डर नहीं दे सकता। तो वो किसी दूसरों की दूसरे की बकरियां नहीं चराते थे कि दूसरे की मजदूरी करते, किस काम करते थे पर अपनी बकरियां चराते थे, अपनी बकरियां चराते थे। ये अम्मारे यासिर की रिवायत है कि ना नबी किसी का अजीर हो सकता है, ना ही इमाम मासूम किसी का अजीर हो सकता है। अच्छा, नबी पलते रहे, किसके जेरे साया पलते रहे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जेरे साया पलते रहे। नबी गिरामी की उम्र मुबारक 6 बरस की हो गई। नबी के वालिद का इसमें गिरामी क्या है? नबी के वालिद जनाब अब्दुल्ला और वालिदा क्या हैं? जनाब आमिना। जब 6 बरस के हुए तो जनाब आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई, आके कहने लगी मैं अपने बेटे को मदीना ले जाना चाहती हूँ। क्यों क्यों मदीना ले जाना चाहती हैं? मेरे बेटे का मेरा घर है और मेरे बेटे का ननियाल है। 6 बरस की उम्र में जनाब आमिना नबी गिरामी को, आमिना हैं, उम्मे ऐमन हैं और अल्लाह के नबी हैं, नबी गिरामी को मदीने मुनव्वरा, मदीने मुनव्वरा में कुछ दिन अल्लाह के नबी रहे, यकीनन अपने वालिद की कब्र पे गए। अब मदीने मुनव्वरा ने, बास तारीख ने लिखा, 1 महीने तक मदीने मुनव्वरा में अपनी वालिदा और उम्मे ऐमन के साथ रहे, और जब मदीने से दोबारा मक्के वापस जाने लगे तब भी हजरत आमिना और उम्मे ऐमन और अल्लाह के नबी 6 बरस की उम्र जब वापस जाने लगे तो मक्का और मदीने के दरमियान एक जगह है, उस जगह को अबवा कहा जाता है। मकाम अबवा पे जनाब आमिना की वफात हुई है। पैगंबर पाक ने अपनी माँ को मकाम अबवा पे दफन कर दिया, और दफन करने के बाद उम्मे ऐमन के साथ मक्के वापस चले गए। अब उम्मे ऐमन, नबी गिरामी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी 8 बरस के हो गए। अब जब 8 बरस के हो गए, बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा, 8 बरस के हो गए तो काबे के आसपास हजरते अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी। हजरते अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी का कितना एहतराम करते थे, हजरते अब्दुल मुत्तलिब की एक मसनद बिछती थी। हजरते अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद, एक और सलवात का सहारा दे बर मोहम्मद आले मोहम्मद। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे। मौलाना एक दो बेटे का नाम बता दीजिए। अब्दुल्लाह पहले बेटे का नाम है, अबू तालिब दूसरे बेटे का नाम है। हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत अबू तालिब सगे भाई हैं, हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत अबू तालिब सगे भाई हैं, यानी दोनों की मादरे गिरामी एक हैं, इसी को तो सगा भाई कहा जाता है। अच्छा, मसनद बिछती थी काबे की तरफ, काबे के पास, और जब काबे के पास मसनद बिछती थी ना तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे उस मसनद के किनारे बैठते थे, कोई एक बेटा भी मसनद के ऊपर नहीं आके बैठता था। मगर जब मेरे नबी आते थे, अभी 8 बरस के अंदर अंदर के थे अल्लाह के नबी, जब मेरे नबी आते थे तो जाके ऐन हजरते अब्दुल मुत्तलिब के बैठने की जगह पे बैठ जाते थे, ऐन मसनदे हजरते अब्दुल मुत्तलिब पे बैठ जाते थे। तो ये जितने थे इसमें से नबी के बास चचा को बात खलती थी, बात खलती थी, नाराज होते थे कि हम चचा होके किनारे बैठे और ये आके मसनदे अब्दुल मुत्तलिब पे बैठ जाएं। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब देखते थे तो अपने बेटों से कहते थे दऊ इब्नी, ये ईमान है अब्दुल मुत्तलिब। कल अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया था, उलमाए इमामिया का इजमा इस बात पे, नबी के जितने आबाओ अजदाद हैं सब मोमिन और सब के सब मुवाहिद हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब ये देखते थे कि मेरे बेटे नबी से नाराज हो रहे हैं तो कहते थे दऊ इब्नी,
मेरे बेटे को कुछ ना कहो, इन्न लहू शानन, इसका तो एक अजीम मकाम है और उस मकाम पे पहुँचेगा, वो मकाम जाहिर होके रहेगा। अच्छा, अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब 8 बरस तक नबी अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेरे साया रहे ना, 8 बरस तक। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत अबू तालिब को बुलाया, और हज़रत अबू तालिब को बुलाने के बाद नसीहतें की हैं हज़रत अबू तालिब से, उसी का या अब्द मुनाफिन, अब्द मुनाफ भी हज़रत अबू तालिब को कहा जाता है, ए अबू तालिब मैं इस बच्चे के हवाले से तुम्हारे नसीहत करता हूँ, जिस बच्चे का बाप गहवारे ही में दुनिया से चला गया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, क्यों एक ही बेटे से कहा कि तुम पैगंबर की हिफाजत करो, क्यों अबू तालिब से कहा? पहली बात, उलमा ने बड़ी अजीम बातें लिखी हैं, पहली बात इसलिए कहा कि हज़रत अबू तालिब जनाब अब्दुल्लाह को बहुत चाहते थे, ये पहली बात। आपको पता है बड़ी मोहब्बत, सगे भाई थे पर ज़रूरी नहीं है कि हर भाई अपने भाई से मोहब्बत करे, लेकिन हज़रत अबू तालिब जनाब अब्दुल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे, ये पहली बात। दूसरी बात, ख़ुद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये महसूस कर लिया कि मेरा बेटा अबू तालिब नबी गिरामी से बहुत मोहब्बत करता है। देखा ना, 2 बातें हुई, यानी खुद अबू तालिब नबी गिरामी से बहुत मोहब्बत करते थे। आइंदा आपको तारीख अबू तालिब पढ़ के बताऊंगा कितनी नबी गिरामी से कैसी मोहब्बत करते थे, ये 2 बातें। तीसरी बात जो बड़ी अहम है, आप तारीख का मुतालिया करें, तारीख ने लिखा है कि अबू तालिब किसी मामूली शख्सियत को नहीं कहा जाता है, जो हज़रत इब्राहिम की यादगार है उसे अबू तालिब कहा जाता है, जिसमें नस्ले इब्राहिमी में जो सिफात और कमालात मीरास के तौर पे मुंतकिल होते गए और जिन अखलाक की तकमील के लिए अल्लाह के नबी आए थे, वो अखलाक हसना किस में पाए जा रहे थे? कहा गया कि इब्राहिमी सिफात और इब्राहिमी अखलाक के मालिक और हामिल अबू तालिब थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। एक और सलवात का सहारा दे बर मोहम्मद अलैहि। ए बेटा, बस 3 बातें हो गई। पहली बात, हज़रत अबू तालिब हज़रत अब्दुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरी बात, हज़रत अबू तालिब नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। और तीसरी बात, अबू तालिब इब्राहिमी कमालात के हामिल थे, नस्ले इब्राहिम और इस्माइल में जो कमालात पे दर पे मीराज के ज़रिए से मुंतकिल होते गए, वो कमालात हज़रत अबू तालिब में थे। अच्छा, अब आप बताए ज़माना समझे तो अबू तालिब किसे कहते हैं? खुदा की कसम इब्न अबिल हदीद मुतज़ली से तो पूछिए, लौला अबू तालिब वबनह, अगर तारीख बशरियत में एक बाप और एक बेटा ना होता तो इस्लाम अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता। बाप को अबू तालिब कहा जाता है और बेटे को अली मुर्तज़ा कहा जाता है। बेटे को अब लिए मुर्तज़ा का, अगर इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली, जिसने नहजुल बलागा की शरह लिखी है 20 जिल्द में ये शरह है, उन्होंने ये कहा लौला अबू तालिब वबना, अगर अबू तालिब और उनके बेटे ना होते तो इस्लाम अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता, हुसैन की रगों में अली का खून है, जिसकी रगों में अबू तालिब का खून हो उसे हुसैन कहा जाता है, जिसकी रगों में फातिमा का खून हो उसे हुसैन कहा जाता है। अमा जो कब्र में सो जाए, मकतूल होके जो कब्र में सो जाए ना, तो बनी उमैया और बनी अब्बास के तख्त ताज लरसने लगे। आखिर बनी उमैया ने क्यों निशाने कब्र को मिटाने की कोशिश की है? हुसैन फिक्र का नाम है, हुसैन दर्स का नाम है, जिसे जमाना मिट जाएगा मगर इस हुसैन को नहीं मिटाया जाएगा। इसीलिए तो जोश ने कहा था, जब तक इस खाक पे बाकी
लिखी है वजूद अशरार, दोष इंसान पे है जब तक हशम तख्त का बार। जब तक ज़मीन पे जालिम रहेंगे, जब तक ज़मीन पे जुल्म रहेगा, जब तक ज़मीन पे सितमगर रहेंगे, करबला अपने हाथ में तलवार लिए खड़ी रहेगी। जब तक इस खाक पे बाकी है वजूद अशरार, दोष इंसान पे है जब तक हशम तख्त का बार। जब तक अकदार से अगराज हैं गर्मे पैकार, करबला हाथ से फेंकेगी ना हरगिज तलवार। करबला, करबला 10 दिन की नहीं, करबला 1 महीने की नहीं, करबला 2 महीने की नहीं, करबला 1 साल की नहीं, करबला 50 साल की नहीं, करबला 1 सदी की नहीं, करबला 2 सदी की नहीं। जब तक इस खाक पे बाकी है वजूद अशरार, दोष इंसान पे है जब तक हशम तख्त का बार। जब तक अकदार से अगराज हैं गर्मे पैकार, करबला हाथ से फेंकेगी ना हरगिज तलवार। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद अराले मोहम्मद। आप सरा किरदार अबू तालिब तो पढ़िए, 8 बरस के मेरे नबी हैं। 8 बरस से आपको पता है नबी की कितने साल किफालत की हजरत अबू तालिब ने? 42 बरस तक। जिसने नबी गिरामी की हिफाजत की है उसे अबू तालिब कहा जाता है। 42 बरस में कितने दिन होते हैं आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। 15,000 से ज़्यादा दिन होंगे 42 बरस में। अमा जिसने 42 बरस तक अपनी ज़िंदगी को नबी की रिसालत के लिए वक्फ़ किया है उसे अबू तालिब कहते हैं। यह है ईमान अबू तालिब, यह है तारीख़ में अबू तालिब की फ़िदाकारी। और इस अबू तालिब के बेटे को अली कहा जाता है, और इसी अबू तालिब के पोते को हुसैन कहा जाता है। इसी अबू तालिब के, जिस अबू तालिब ने रिसालत को बचाया हो उस अबू तालिब का पोता ही रिसालत को बचाएगा। क्यों मौलाना? जिगर जिगरस्त, दिगर दिगरस्त। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है ना। जिगर जिगरस्त, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। 8 बरस का सिन था, अल्लाह के नबी हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे साया परवान चढ़े। नबी ये पाक बस पैदा हुए तो बाप का साया नहीं, 6 बरस के हुए तो माँ का साया सर से उठा, 8 बरस के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया सर से उठा, 12 बरस के हुए अब ये हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे साया परवान चढ़ रहे। 12 बरस के हुए तो पैगम्बर पाक ने पहली मरतबा हिजाज छोड़ा। फिर कहूंगा अपने मजमे से, हिजाज सऊदी अरबिया को कहते हैं। 12 बरस के हो गए तो पहली मरतबा अल्लाह के नबी ने हिजाज छोड़ा, हजरत अबू तालिब के साथ शाम का पहला सफर किया है। यह शाम का पहला सफर, ये 12 साल की उम्र में। अब इस सफर के बारे में ज्यादा अर्ज ना करूंगा। अल्लाह के नबी 20 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 20 साल के। मैं कोशिश करूंगा कि 3 दिन के अंदर नबी पाक की तारीख को मुख्तसर तौर पे अपने मजमे के दरमियान बयान कर सकूं, इसलिए बाज़ बातों की वजाहत की ज़रूरत नहीं। पहला सफ़र नबी का हिजाज से कब हुआ है? 12 बरस की उम्र में। कहाँ गए हैं? शाम में गए हैं, हज़रत अबू तालिब के साथ गए। अल्लाह के नबी 20 बरस के हो गए। खुदा की कसम अभी मबूसे बर रिसालत नहीं हुए हैं, मबूसे बर रिसालत नहीं हुए, अभी तो खामोश ज़िंदगी के ज़रिए से इस्लाम की तबलीग की जा रही है, अभी तो खामोश सीरत के ज़रिए से खुदा की वहदानियत की तरफ बुलाया जा रहा है, लोगों को इंसानी अकदार की तरफ दावत दी जा रही है, सदाकत और अमानत की तरफ दावत दी जा रही है। कौल से नहीं, अमल के ज़रिए से, कौल के नहीं, सीरत के ज़रिए से और किरदार के ज़रिए से। अच्छा, 20 बरस के हुए तो एक यमन का रहने वाला इंसान मक्के में आया था। तवज्जो करिएगा, मुहर्रम एहतजाज है। बड़े किसी राइटर ने बड़ी प्यारी बात कही है, उसने कहा है मुहर्रम को त्यौहार ना कहना, मुहर्रम त्यौहार नहीं, मुहर्रम तो जुल्म के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज का नाम है।
यानी मुहर्रम एहतजाज है। किसके खिलाफ? ये जो हम काले कपड़े पहनते ना, ये काले कपड़े नहीं पहनते, ये जो स्याह परचम लगाते, ये स्याह परचम नहीं लगाते, हम काले कपड़े पहनते, हम स्याह परचम लगा के ये बताना चाहते हमारा रिश्ता हुसैन से। कौन हुसैन? उस हुसैन से हमारा रिश्ता है जो जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज है। यानी इसका मतलब ये काले लिबास भी सदाए एहतजाज, ये काले और स्याह परचम भी सदाए एहतजाज। यानी हम स्याह लिबास पहन के कहते हम इंसानियत के साथ खड़े, हम मजलूम के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े हैं, हम हक को तन्हा न छोड़ेंगे। ये स्याह कपड़े और ये स्याह परचम ये बताते कि हमारा रिश्ता हुसैन से है। 20 बरस के जब अल्लाह के नबी हुए तो एक यमन का रहने वाला इंसान मक्के में कुछ बेचने के लिए आया था। हज के मौके पे मक्के में बाजार लगती थी। अच्छा, तो ये बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए आया था, लेकिन आस बिन वायल ने उससे उसका सामान खरीदा, कीमती सामान खरीदा, खरीदने के बाद पैसे नहीं दिए। तो मक्के में एक परदेसी पे जुल्म हुआ। मक्के में किस पे जुल्म हुआ? एक परदेसी पे। भाई परदेसी एक सामान बेचने के लिए आया था, एक मक्के के रहने वाले ने उसका सामान, कीमती सामान खरीद के उसकी कीमत अदा न की, तो उसने भी अपने इस जुल्म का शिकवा बड़े दर्द अंदाज और मुतासिर लहजे में किया। तो यहाँ के ऊपर सबसे पहले जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, बनी हाशिम, बनी जोहरा, बनी असद, अब्दुल्लाह इब्ने जदान के घर में जमा हुए। बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। और उन्होंने एक अहदनामा लिखा, एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, एक करारदाद तैयार की गई। और वो करारदाद क्या थी? हम मजलूम के साथ खड़े हैं, हम मजलूम के साथ खड़े हैं, उस वक्त तक हम चैन न लेंगे जब तक कि मजलूम को उसका हक न दिया जा सके। इस अहदनामे को हिल्फुल फजूल कहा जाता है। इस अहदनामे को क्या कहा जाता है? हिल्फुल फजूल कहा जाता है। और इस अहदनामे में अल्लाह के नबी शरीक थे। कितने बरस के थे? 20 बरस के थे। यानी खुद नबी भी इसमें शरीक थे। और वो क्या था अहदनामा? कि हम हर मजलूम के साथ, हम मजलूम का दीन नहीं देखेंगे, मजलूम का मजहब नहीं देखेंगे, मजलूम का मसलक नहीं देखा जाएगा, जो भी मजलूम है हम उसके साथ खड़े हैं। खुदा की कसम, ये मजहब तशय्यो बताता है इंसानियत को। ये मुहर्रम करके हम बशरियत को यही बताना चाहते हैं, मजलूम कोई भी हो हम उसके साथ हैं। इसीलिए नबी पाक कहते थे, अगर लव उदा बही फिल इस्लाम अजब, तो अगर मुझे इस्लाम आने के बाद भी इस अहदनामा की तरफ बुलाया जाएगा तो मैं उनकी बातों पे लब्बैक कहूंगा। यानी इस्लाम आने के बाद भी ये जो अहदनामा 20 साल की उम्र में हुआ है वो इस्लाम के बाद भी बाकी रहेगा, और मैं मजलूम के साथ, मजलूम के हक में खड़ा रहूंगा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात का सहारा दें, बर अजमत मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा अजीज़ान मोहतरम, करबला को अजीज़ान मोहतरम गाम ब गाम रखा। इसलिए मैं अपने मजमे से गुजारिश करूँगा कि सिलसिलेवार हर मजलिस बिल्कुल जुड़ी हुई है पहली मजलिस से। अगर कड़ी टूटने न पाए तो बहुत बेहतर होगा, मैं अपनी बात को बड़ी आसानी से अपने सामने तक पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह, हुसैन और नबी और आले नबी की मदद से। अच्छा, पैदा कब हुए? सन 1 आमुल फील में। 6 साल के थे तो माँ का इंतकाल हुआ, 8 बरस के हुए तो दादा का इंतकाल हुआ, 12 बरस के हुए तो पहला सफ़र शाम का हज़रत अबू तालिब के साथ, 20 बरस के हुए तो हिल्फुल फजूल। हिल्फुल फजूल का यानी वो अहदनामा, हम मजलूम के साथ खड़े हुए हैं, और जब भी इस अहदनामा के मुताबिक हमें बुलाया जाएगा हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे।
अब अल्लाह के नबी, इसी बात को अर्ज़ करूँ इंशाअल्लाह कल नबी गिरामी 30 बरस के, या मैं आज भी अपनी बात को पहुँचा दूँ 30 बरस तक, ताकि बेसत रिसालत और आमुल फील का भी ये ज़माना चल रहा है, ये सारा ज़माना आमुल फील का चल रहा है। नबी गिरामी 25 बरस के हुए तो दो कारनामे वजूद में आए। पहला कारनामा ये हुआ कि जनाब खदीजतुल कुबरा के काफ़िले के साथ अल्लाह के नबी फिर दोबारा गए हैं शाम, ये दूसरा सफ़र। एक बात कहूँ, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दो ही सफ़र अल्लाह के नबी ने किया है, और दोनों सफ़र शाम का है, दोनों सफ़र शाम का है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, दोनों सफ़र शाम का है इंशाअल्लाह। 25 बरस तक यानी 25 आमुल तक हमारी गुफ्तगू हुई, 40 आमुल में 40 आमुल फील में अल्लाह के नबी मबूसे बर्रिसालत होंगे। आमुल फील ख़त्म होगा, बेसत का साल होगा, 13 बरस बेसत, और उसके बाद नबी पाक की हिजरत, और फिर अली व फातिमा की शादी, और अली व फातिमा की शादी के बाद हसन व हुसैन की विलादत, और फिर जब हिजरी सन होगा तो फिर जंगे बद्र हो, जंगे ओहद हो, जंगे खंदक हो, खैबर हो, हुनैन और फतेह मक्का हो हुनैन, और इंशाअल्लाह नबी गिरामी के वफ़ात वाक़े गदीर, और वफ़ात के बाद सकीफ़ा, सकीफ़ा के बाद 25 साल तक हुक्मरानों के खलफा के खिलाफत, उसके बाद 25 बरस 5 बरस तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी खिलाफत और हुकूमत, जंगे नहरवान, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल, पहले जंगे जमल, फिर जंगे सिफ़ीन, फिर जंगे नहरवान, उसके बाद सुलह इमाम हसन, सुलह इमाम हसन के बाद इमाम हसन 10 बरस ज़िंदा रहे, और उसके बाद अमीर शाम का ज़माना, 10 बरस वो अमीर शाम का। इंशाअल्लाह इन बातों को अर्ज़ करूँगा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं अकदार को ज़िंदा करने के लिए, इन्हीं अकदार को ज़िंदा करने के लिए हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये कह देना कि जहरा के लाल ने मदीना छोड़ा है, मदीना छोड़ा है, हिजरत गाह है मदीना, जहाँ नबी हिजरत करके आए उसे मदीना कहा जाता है, जो हुसैन की पैदाइश गाह है, जहाँ हुसैन पले बढ़े, जो जिब्राइल के उतरने की जगह है, उसे मदीना कहा जाता है। बड़ा सख्त था हुसैन के लिए मदीना छोड़ना, बड़ा सख्त था हुसैन के लिए। ये फ़ातिमा का लाल मदीना नहीं छोड़ रहा था, हाँ माह मुहर्रम में मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, निकला है आसमान पे माह अज़ा का चाँद, डूबेगा अपने खून में अब फ़ातिमा का चाँद। ये चाँद तो नमूदार होता है, वो हुसैन फ़ातिमा का चाँद है, अपने ही खून में डूबेगा। इसीलिए वलीद के दरबार से जब हुसैन निकले हैं तो बिला फासला कब्र नबी पे पहुँचे। कब्र नबी पे जाने के बाद अल्लाह के नबी से सैयदुश्शुहदा ने ख़िताब किया, या रसूल अल्लाह अना इब्न फ़ातिमा, अल्लाह के नबी मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, अना फ़र्ख का वबन फ़र्खते का, ए अल्लाह के नबी मैं आपका बेटा हूँ, मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, मैं वही हुसैन हूँ जो आपके कब्र पे दिया जलाता हूँ। ए नाना अब बनी उमैया मुझे रहने नहीं देते, अब आपके कब्र पे दिया जलाने वाला हुसैन मदीने में न रहेगा। नाना इन्नहुम खदलूनी, बनी उमैया ने मुझे तन्हा छोड़ दिया, जय्याऊनी मेरे तबाह बर्बाद करने के पीछे पड़ गए, लम यरहमूनी, नाना नाना ये बनी उमैया मुझ पे रहम नहीं करते। रात भर हुसैन कब्र नबी पे रोते रहे, दिन रात ढल गई, दिन आया फिर रात हुई ना, तो फिर नबी के कब्र पे जहरा का लाल पहुंचा, अल्लाहुम्मा हादा कब्र नबी एक, ए मेरे अल्लाह ये तेरे नबी की कब्र है और मैं तेरे नबी का नवासा हूं। रोते रहे, रोते रोते हुसैन को नींद लग गई। एक मर्तबा सर कब्र रसूल पे
रख दिया, ख्वाब में देख लिया नाना आए हुए हैं, मलाइका का हुजूम है और मेरा सर नाना की आगोश में है और नाना मेरे लबों का बोसा दे रहे हैं और मेरे नाना मुझसे कह रहे मेरे लाल करबला का सहरा बयाबान होगा, तुम प्यासे होगे, लोगों से पानी का मुतालबा करोगे मगर मेरे हुसैन तुम्हें कोई पानी न देगा, तुम्हारे सीने को कोई सैराब न करेगा। हुसैन ने कहा नाना अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी कब्र में बुला लीजिए। नहीं मेरे हुसैन तुम्हें करबला जाना होगा, तुम्हें गला कटाना होगा। ए मेरे हुसैन तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे, भाई हसन इंतजार कर रहे। एक मर्तबा हुसैन की आंख खुल गई, बैतुल शरफ तशरीफ ले आए, ज़ैनब का सामना हुआ, ज़ैनब से ख्वाब बयान कर दिया। ए बहन ज़ैनब अरे मुझे करबला जाना होगा, नाना कह रहे थे हुसैन तुम्हें गला कटाना होगा, तुम करबला के सहरा बयाबान में बगैर पानी के शहीद कर दिए जाओगे। अहले हरम में कोहराम मच गया, हुसैन मदीना छोड़ना चाहते थे, उम्मे सलमा आ गई। ए मेरे लाल हुसैन मैंने तुम्हारे नाना से सुना है मेरा हुसैन करबला में ज़िब्ह कर दिया जाएगा, मेरे हुसैन को पानी न मिलेगा। ए मेरे हुसैन करबला न जाओ। हुसैन ने कहा नानी मुझे भी मालूम है। एक मर्तबा अजरकुम अल्लाह, एक मर्तबा हुसैन ने उम्मे सलमा के चेहरे पे हाथ फेरा, जमीन ने करबला की तरफ इशारा किया, करबला की जमीन बुलंद हो गई। नानी यही वो जगह है जहां मुझे कत्ल किया जाएगा, नानी यहाँ मेरा कब्र मारा जाएगा, नानी यहाँ मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे, नानी यहाँ मेरा असगर शहीद किया जाएगा। नानी ये खाके करबला जब तक खाक रह जाए समझ लीजिएगा हुसैन जिंदा है, और जब खून में बदल जाए समझ जाइए हुसैन दुनिया से रुखसत हो गया। अहले हरम में कोहराम मच गया, वाह हुसैना वाह मज़लूमा। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهرى وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها دس مرتبة بسمك يا الله 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 معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہم گنہگار ہیں تجھے سکینہ بنت الحسین کی حرمت کا واسطہ، ہماری گناہوں کو بے معاف کر اور ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرما دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں سید الشہداء کے بہتر طریقے سے عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، خاص طور سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ پاک پروردگارہ، زندگی بھر جس نے سید الشہداء کا ذکر کیا ہے،
जिसने मज़हब अहले बैत की खिदमत की है, महबूब तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद और तुझे अहले बैत की हुरमत का वास्ता, तमाम बीमारान को बिलखसूस मौलाना मोहम्मद हसन मारूफ़ी साहब को शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र नफाक को सरनगूं फरमा, वक्त के इमाम को हम से राज़ी खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।